हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जीके के चैप्टर्स पढ़ेंगे। आज हम जीके के चार चैप्टर करेंगे, फोर्थ चैप्टर। चैप्टर नंबर 15, डिस्कवर इंडिया, भारत के बारे में चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16, इंडियन ट्राइबा, इसमें भारत के कुछ महान विभूतियों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, भारत से रिलेटेड। और इसमें चैप्टर नंबर 17, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भारत से रिलेटेड भारत में जौन जौन सी जगह है घूमने की उसके बारे में है। एंड चैप्टर नंबर 18, इसमें नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। आज ये चारों चैप्टर आज हम करेंगे। ये चारों चैप्टर आप अपनी कॉपी में करेंगे। चैप्टर नंबर 15 इज डिस्कवर इंडिया, भारत के बारे में चैप्टर है। सो लेट्स वी स्टार्ट। रिप्लेस द इनकरेक्ट अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बुक। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें एक शब्द के नीचे एक जगह है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है, वर्ड है, स्टेट, यार एक स्टेट के नाम है, जगह के नाम है, सिटी के नाम है, ये गलत है, इनकी जगह हमको सही लिखना है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वुलन शॉल्स फिरंस एंड स्टॉल्स आर मेड इन उड़ीसा। हाथ से बनी हुई वुलन शॉल्स फिरंस और स्टॉल्स जो होते हैं वो उड़ीसा में बनाए जाते हैं। नहीं, गलत है, उड़ीसा में नहीं बनते, कहाँ बनते हैं, कश्मीर में ये बनाए जाते हैं, तो उड़ीसा जो है वो गलत है, इसलिए कश्मीर आएगा। महाबलेश्वर इज अ फेमस स्काई रिजॉर्ट, महाबलेश्वर जो है एक फेमस स्की रिजॉर्ट का मतलब होता है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर बर्फ़ के खेल होते हैं, जहाँ पर लोग बर्फ़ देखने जाते हैं, तो महाबलेश्वर है, ये गलत है। इसकी जगह क्या है, गुलमर्ग वो जगह है जहाँ वो स्की रिजॉर्ट है। थर्ड इज कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन गोवा, जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो गोवा में स्थित है, गलत है, गोवा में नहीं है, कहाँ है, राजस्थान में है, तो इसका आंसर सही राजस्थान है। द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड नीलगिरी इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट जो हैं, जो पश्चिमी घाट से महाराष्ट्र के, उनको नीलगिरीज कहा जाता है, गलत है, क्या कहा जाता है, सहद्रीज, क्या कहा जाता है, सहद्रीज। फिफ्थ इज इन नेचुरली फॉर्म्ड आइज शिवलिंग इज वर्शिप्ड एट बद्रीनाथ इन कश्मीर, कश्मीर में अपने आप बनने वाला बर्फ़ से शिवलिंग जो है, बर्फ़ का शिवलिंग वो जो है बद्रीनाथ में है, गलत है, कहाँ है, अमरनाथ जी में, कहाँ पर है, अमरनाथ में, तो कश्मीर में स्थित है और उस जगह का क्या नाम है, अमरनाथ, यहाँ पर आपको बद्रीनाथ दिया होता है जहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, गलत है, कहाँ पर बनता है, अमरनाथ में। डांडिया एंड गरबा पंजाबी डांस फॉर्म, डांडिया और गरबा जो है वो पंजाब का डांस फॉर्म है, गलत है, किसका डांस फॉर्म है, गुजरात का, तो ये गुजराती आएगा। द बैटल ऑफ महाभारत टुक प्लेस एट पानीपत, महाभारत की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई, पानीपत में, इन्होंने पानीपत दिया हुआ, ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, कुरुक्षेत्र, कहाँ लड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। द भाई टेम्पल इन न्यू दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड द सन टेम्पल, जो नई दिल्ली में भाई टेम्पल है, भाई लोग जो भाई धर्म को मानने वाले लोग इसमें जाते हैं, नई दिल्ली में स्थित है, उसको सन टेम्पल बोला जाता है, सूर्य, गलत है, क्या बोला जाता है, लोटस टेम्पल, क्या बोला जाता है, लोटस टेम्पल। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट द चार मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, चार मीनार बनाया था, गलत है ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाई थी, कुतुब मीनार बनाई थी, तो इसका आंसर सही है कुतुब मीनार। शालीमार एंड निशात आर मुगल फोर्ट्स इन कश्मीर, कश्मीर में शालीमार और निशात नाम के मुगल फोर्ट्स है, फोर्ट का मतलब किले, गलत है, मुगल फोर्ट नहीं है, वो गार्डन है, शालीमार और निशात नाम के वहाँ पर बाग हैं, गार्डन, बगीचे हैं जो कश्मीर में स्थित है, तो इसमें गार्डन्स आएगा, फोर्ट्स गलत है, तो ये चैप्टर आपको अपनी कॉपी में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू ऑलवेज वोर ए लोटस फ्लावर ऑन हिज कोट, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, भारत, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो हमेशा अपने कोट पे कमल का फूल लगाते थे, गलत है, गुलाब का फूल लगाते थे, रोज़ फ्लावर लगाते थे, तो इसका आंसर फॉल्स है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ इन 1947, आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से स्टार्ट हुई थी और उन्होंने बताया 1947 में स्टार्ट हुई थी, तो ये गलत है, 1857 में स्टार्ट हुई थी, 1857 में, तो इसमें फॉल्स आएगा, मेरठ तो सही है, मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन कब हुई थी, 1857 में, 1857 में, तो यहाँ पर 1947 दिया हुआ है, गलत है। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बिगेंस विद जनगणमन, जो हमारा राष्ट्रीय
गान है वो किस कैसे स्टार्ट होता है, जनगण मन से, तो ये हमारा ट्रू है। इंडियन पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कैन नॉट फ्लाई हाई, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है पीकॉक मोर, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, तो ये सही है जो ट्रू है, क्योंकि जो मोर होता है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। द मस्कट ऑफ 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली वाज नोन एज भालू, जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का मस्कट था उसको भालू का, उसका नाम भालू था, गलत है ये। इंडियन करेंसी नोट आर इश्यूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो करेंसी होती है, जो हमारे जो मुद्रा होती है रुपए, उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, गलत है। कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक, तो यहाँ पर ही गलत दिया हुआ है, फॉल्स है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन, पहला गवर्नर जनरल आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये सही है, वही थे लॉर्ड माउंटबेटन, हमारे पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी वाज शॉट डेड इन 1 जनवरी 1948, महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी 1 जनवरी 1948 को, तो ये गलत है, 30 जनवरी को मारी गई थी, 30 जनवरी को उनको गोली मारी गई थी, तो ये गलत है, फॉल्स आएगा। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन अगस्त 29th, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट इंडियन हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, जो हमारे देश के महान हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था ध्यानचंद, उनकी जन्मदिन के उपलक्ष में, उनके जन्मदिन को याद करते हुए 29 अगस्त को हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और उस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, उनके याद में वो खेल दिवस मनाते हैं, तो ट्रू है। लच्छू महाराज एंड बिरजू महाराज आर कत्थक डांसर, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज कत्थक डांसर हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। इसके बाद आपका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ जगह दी हुई है और उनसे रिलेटेड आपको आप सामने मैचिंग करने हैं, तो जो गोल्डन टेम्पल है कहाँ पर है, अमृतसर में है, कहाँ पर है, अमृतसर में, और किससे रिलेटेड है, सिखों से रिलेटेड है, जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो वहाँ जाते हैं, जाते तो खैर हर धर्म के हैं, लेकिन उनके लिए उनकी मान्यता है वहाँ पर, इसलिए वो सिख धर्म से रिलेटेड है। अजंता एलोरा केव्स जो है वो कहाँ स्थित हैं, वो औरंगाबाद में स्थित हैं, कहाँ स्थित है, औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ था, महाराष्ट्र में आता। दिलवारा टेम्पल, जो दिलवारा टेम्पल है वो माउंट आबू में है, माउंट आबू कहाँ था, राजस्थान में। विवेकानंद रॉक, विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में है, विवेकानंद रॉक जो है वो आपका सदर्न टिप ऑफ इंडिया यानी कन्याकुमारी, जो सबसे नीचे का, जो भारत का जो साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ पर है, और ये कहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी में। इसके बाद हाजी अली की दरगाह, हाजी अली दरगाह जो है एक मॉस्क है यानी कि मस्जिद है, और वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपकी मिडल ऑफ सी, समुद्र के बीचों बीच मुंबई में स्थित है। बेसिलिका ऑफ बॉन जीसस ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है चर्च, ये एक चर्च है और ये गोवा में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फतेहपुर सीकरी मुगल स्ट्रक्चर है, मुगल ने बनाया था, और कहाँ पर स्थित है, आगरा के समीप, आगरा के पास एक शहर है फतेहपुर, वहाँ पर स्थित है। ऊटी जो है, ऊटी नीलगिरी पहाड़ों पर स्थित है, और तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इंडिया गेट, वार मेमोरियल, युद्ध में जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद में वो इंडिया गेट बनाया गया है, और ये कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में, कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली, राजपथ न्यू दिल्ली, कहाँ पर स्थित है, राजपथ न्यू दिल्ली, तो ये चैप्टर आपको अपनी बुक में करना। इसके बाद आता आपका नेशनल पार्क, होम टू एशियाटिक लॉयन इन गुजरात, गुजरात में जो जहाँ पर जिस नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन रहते हैं, एशियाई शेर रहते हैं, गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊँचे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव पेड़ के जंगल कहाँ पर है, सुंदरबन में स्थित हैं।
होम टू इंडियन राइनो जो भारतीय गैंडा है जिसकी नाक पे एक सींग होता है वो असम में है, वो उसका घर है यानी कि उस नेशनल पार्क में वो उसके लिए वो फेमस है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो नेशनल पार्क आते हैं वो कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था शेरों को चीतों को बचाने के लिए। वाइट टाइगर्स रेवाइन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? बंधवगढ़ का। कौन सा है? बंधवगढ़ का। होम टू वाइल्ड एलिफेंट इन उत्तरांचल, उत्तरांचल में एक वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तरांचल में है और वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बोटेनिकल गार्डन जू एंड सेंचुरी इन उड़ीसा, उड़ीसा में एक ही नेशनल पार्क के अंदर बोटेनिकल गार्डन भी है, जू भी है और वहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी है, तो कौन सी है? नंदन कनन। कौन सी है? नंदन कनन नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व इन साउथ इंडिया बिटवीन मैसूर एंड ऊटी, मैसूर और ऊटी के बीच में टाइगर रिजर्व आता है उसका नाम है बंदीपुर। कौन सा है? बंदीपुर। बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर, भरतपुर में बहुत ही फेमस बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है कियोला डी घाना। कौन सा? कियोला डी घाना। भरतपुर की बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर तरह तरह के पक्षी मिलते हैं। हंटिंग ग्राउंड ऑफ जयपुर महाराजा, जयपुर महाराजा जो जयपुर के महाराज थे उनका हंटिंग ग्राउंड कौन सा था जहाँ पर वो शिकार करने जाते थे? रणथंभौर नेशनल पार्क। कौन सा था? रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये चारों चैप्टर आप अपनी कॉपी में और बुक में करेंगे। थैंक यू।